Hello students, how are you all? So yesterday already we have started the lesson 2 of history, and that is from trade to territory. So already I have given you the introductory part about that, and now we are going to discuss about the topic called East India Company begins trade in Bengal. Then the first English factory was set up on the bank of River Hooghly in 1651. This was the base from which the company's trader, known at the time as factor, it was not factory but factor. The factory had a warehouse where goods or export were stored. So एक storehouse मानते हैं हम, जैसे warehouse के थे, एक storehouse था वहाँ पे, जो भी सामान आते थे export और वहाँ पे रखा जाता था. And it had offices where company officials sat. ऑफिसर्स भी उन्होंने बनाई और उन्होंने अपनी ट्रेड को एक्सपांडेड की और कंपनी ऐसे परसुएटेड किए मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. एक ऑफिस बनाए उन लोगों ने, उन ऑफिस में सबको बुलाते थे और जो भी डील करना था वो वहाँ करते थे. लेकिन 1696 वो क्या करते, बिल्डिंग और फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट्स उन्होंने बनाए, गढ़ बनाने की शुरुआत की, बाउंड्री बनाए, एक सेटलमेंट बनाए. सो टू ईयर्स लेटर ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इन टू गिविंग द कंपनी जमींदार राइट्स ओवर थ्री विलेजेस. सो उन्होंने ब्राइब का मतलब क्या, पैसे दिए, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए ताकि उनको वो जमींदारी राइट्स मिले, अधिकार मिले, जमींदारी राइट्स मिले थ्री विलेजेस. राइट, सो कंपनी की बहुत चाल, बहुत बड़ी चाल थी. एंड वन ऑफ दिस वाज कोलकाता व्हिच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कलकत्ता एज इट इज नॉन टुडे. आज हम जिसको कलकत्ता और कलकत्ता के नाम से जानते हैं, पहले उसका जो नाम था वो कलकत्ता था. सो कलकत्ता एक ऐसी जगह थी, एक बहुत सिटी, आप अभी भी जानते हैं हम लोग. सो ये जो कंपनी जमींदारी राइट्स पाने के लिए मुगल एम्पायर्स को ब्राइब्स दिए और ये उनके हक में करना चाहते थे. इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. राइट, सो फरमान एक जारी कर दिए औरंगजेब ने कि ये जो कंपनियां हैं इनके पास ट्रेड ड्यूटी फ्री होनी चाहिए. राइट, सो कंपनी tried continuously to press the more concessions and manipulate existing privileges. So company ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उनकी concession, उनकी percentage बचाए और किस तरह से जो privileges हैं, जो सुविधाएँ हैं उनको बटोर ले, ये सारे काम करने लगे. और औरंगजेब की जो फरमान था वो instance had granted only the company the right to trade duty free. मतलब जो ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब जो टैक्स होती है, ट्रेड की जो टैक्स होती है उनको ही फ्री किया था औरंगजेब ने. बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वेर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड एंड द साइड वेर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी एंड दिस दे रिफ्यूज टू पे एंड कॉजिंग एन इनामरस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बेंगल. सो उन लोगों ने भी और दूसरे टैक्स भी देने के लिए मना कर दी. राइट, सो ये बात थी. और इसमें मुर्शिद कुली खान जो थे उस टाइम के नवाब थे बंगाल में. उसके बाद 18th century में एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुई बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसीफाइड. And after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy. As their regional power were doing at the time, Murshid Quli Khan was followed by Ali Wardi Khan. Murshid Quli Khan mar gaye aur Ali Wardi Khan ab aa gaya. And uske baad aaye Sirajuddaula. Aur Sirajuddaula jab ek bahut badi strong leader the. सो उस टाइम में उन्होंने भी बहुत ही प्रयास किए कि उनसे वो ड्यूटीज़ लिया जाए और उनसे वो टैक्सेस लिया जाए, लेकिन उन लोगों ने मना कर दी. इवन उन्होंने राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पैसे भी
बना रहे थे उससे बंद कर दी, और जो फोर्टिफिकेशन वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे उनको भी बंद करा दी। सो इस तरह से जब बंद हुआ एंड जो कंपनी वेस्ट बंगाल में थी, सो इन लोगों ने बंद कर दिए थे पैसे देने, इसी वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लॉस हो रहा था नवाब की ऑफिस में। सो एक दिन अली बर्दी खान जब मर गए, राइट, सो सिराजुद्दौला उनके नवाब बने। सो ये जो पॉपेट्स थे अली बर्दी खान और मुर्शिद कुली खान, सो उनके बाद जो आते हैं वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब आते हैं तो वो willingly give trade concession and other privileges, so it tried. Though without success to help one of the Sirajuddaula's rival become the Nawab. So Sirajuddaula ki jo aur ek ye na pratidwandi the wo Nawab ban gaye. To abhi Sirajuddaula ne bahut in ye jo company thi East India Company, inko mana kiye bar bar ki company कोई भी हमारे जो एरिया में पॉलिटिकल अफेयर्स में वो हाथ ना रहे, टांग ना रहा है, और इसलिए स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज, राइट। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स। जब उन्होंने मना कर दी तो 30,000 के साथ सोल्जर के साथ नवाब सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्रीज जहाँ पे कासिम बाजार में उन्होंने कैप्चर की, वो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे और जो वेयरहाउस थे उनको लॉक किया गया, उनको जो डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, एंड देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर्ट देयर। तो इन लोग जो सिराजुद्दौला अपने सैनिक के साथ गए, 30,000 सैनिक लेके गए, और उन्होंने क्या किया कि वो इन बहुत सारे लोगों को, इंग्लिश मैन को वो अपने साथ ले आए थे, और एक बहुत ही छोटे रूम था उसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। तो वो एक 150 आई थिंक द सिविलियंस, जो इंग्लिश सिविलियंस थे उनको ला के बंदी बना के लाया गया, और एक छोटे से रूम में एक सेल में उनको रखा गया, और जब रखा गया तो सफोकेशन में बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग अपने जान गंवाए थे, राइट। सो ये जब न्यूज़ फैल गया तो मद्रास में जो रॉबर्ट क्लीव थे, जो कमांडर थे, वो री इन्फोर्स्ड बाई नावल फ्लीट्स, वो तुरंत वहाँ से जहाज से मद्रास से वो कलकत्ता आते हैं, और उसके बाद वो प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। फाइनली 1757 रॉबर्ट क्लीव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर बैटल ऑफ प्लासी, राइट। सो बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लीव आते हैं और सिराजुद्दौला के साथ वो एक 1957 में एक लड़ाई होने की शुरुआत की, तो उसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी की और हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, द वीडियो विल बी मोर लेंथी, दैट्स व्हाट आई एम स्टॉपिंग हियर, एंड वी विल कंटिन्यू विथ मोर एक्सपेंशन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।